अस्सलामुअलैकुम, मैं मुनीर अहमद। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुनीर आईटी एक्सपर्ट। आज आपके लिए एक ज़बरदस्त वीडियो लेके आए हैं और आपको बताने जा रहे हैं कि बहुत सारे लोग कहते हैं एसी जनरेशन के अंदर पावर कैसे बढ़ाएं। ठीक है, तो जो आउटपुट पावर होती है वो बाय डिफॉल्ट वो 17 पे होती है, 17 से कम भी होती है, तो आप उसको कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, उसको हम देखने के लिए अपनी जो एसी जनरेशन की एक्सेस पॉइंट है या स्टेशन साइड की, मैं ये स्टेशन को भी खोल लेता हूँ। एक्सेस पॉइंट की मैंने ऑलरेडी ओपन की हुई है। ठीक है, इनको अगर आपने पावर वाले सेक्शन में जाना है तो सबसे पहले इसको भी लॉगिन कर लेता हूँ ताकि आपको आसानी हो। ये मैंने ये भी खोल ली है, स्टेशन साइड वाली भी खोल ली है और एक्सेस पॉइंट वाली भी खोल ली है। ठीक है, तो आपने जाना है वायरलेस सेक्शन के अंदर, चले जाना। वायरलेस के अंदर आपको ये कंट्री के नीचे लिखा होगा एंटीना गेन। एंटीना गेन 16 dBi का, ठीक है, आउटपुट पावर 24 dBm है। ठीक है, तो इसी तरह मैं इसके वायरलेस में चला जाता हूँ। ये देखें 24 dBm इधर से पावर है, 24 इसकी हुई। ठीक है, तो यहाँ से इसकी टोटल जो है एंटीना है 23 dBi का, उसको 24 dBm हमने किया हुआ। तो इसकी पावर को ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पे होती है तकरीबन यहाँ पे, तो इसको कैसे इंक्रीज करना है, ये इंक्रीज वाला ऑप्शन कैसे आता है, तो इसके लिए आपने ये कैलकुलेट ERP लिमिट जो होती है इसको अपने ऑन करना है। ये पहले इधर होगा तो ये ऑफ होगा। ठीक है, तो आपने इसको ऑन कर लेना। ऑन करने के बाद इसको यहाँ से खींच के फुल पावर कर देनी है और इसको ऑफ करके आपने अप्लाई कर देना है। ठीक है, इतना सा काम है और आपकी पावर हो जाएगी फुल। अभी ये देखें पावर कम हुई और वो उसका डाटा नीचे आ गया। अभी देखते हैं कितनी पावर इसकी फुल करके हम इसको अप्लाई कर देते हैं। तो ये आप पावर खुद कर सकते हैं, इसका भी मैंने ऑफ किया हुआ है। ये ऑटोमेटिक पावर कंट्रोल ये और चीज़ होती है, ये नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। अभी ये देखें ज़्यादा डाटा ट्रेवल हो रहा है, तो लिंक पोटेशियम मेरा 35 पे चला गया है, टाइम 13% है और यहाँ पे तकरीबन 7-8 कस्टमर चल रहे हैं और 7-8 कस्टमर 25 MB तक ये जा रही होती है। अभी हमने वो सिग्नल की वजह से ये देखते हैं अभी 20 MB तक जा रही है, तो ये इससे भी ज़्यादा चली जाती है और ये भी अच्छी खासी स्पीड चल रही है, यहाँ पे भी चल रहा है। ठीक है, यहाँ से आप शो कनेक्टेड जितनी भी आपकी डिसकनेक्टेड वाली हैं वो देख सकते हैं, आप कनेक्टेड में कनेक्टेड देख सकते हैं। उम्मीद है आज के वीडियो का टॉपिक आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि आप छोटा सा टॉपिक था तो ज़्यादातर लोगों को इसका पता ही है। अगर जिन लोगों को नहीं पता तो यहाँ से अपनी पावर इंक्रीज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।